बहुत भारी है। स्टैंड लगाना, स्टैंड लगाना, स्टैंड नहीं यार, वो कार वाले ने एकदम ब्रेक लगा दिया। शिट, थैंक यू यार। सो ये वाली लाइट लगने वाली है अपनी बाइक पे, अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिटिंग हो रही है और कैसा इसका परफॉर्मेंस है, कैसा दिखने वाला है। हेलो गाइस, तो गाइस मैं भी जा रहा हूँ अपनी हिमालयन 450 को लेकर तो चाकी कस्टम, वहाँ पे मुझे विंडशील्ड लेनी है और थोड़ा बहुत कुछ नई डिजाइन कुछ बनवाना है, तो वहाँ चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि मैं क्या बनवाने वाला हूँ। फिलहाल तो सिम्बा भाई हमारे घूमने जाएंगे पहले, उसके बाद ही हम निकलेंगे दो चाकी कस्टम के लिए। कहाँ चलना सिम्बा, आ जाओ इधर इधर इधर, कम ऑन इधर आ, ये जाता नहीं है, चल खींच खींच के लाना पड़ता है। देख 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 देख, पूरा पैर लगा दिया उसने, ओ भाई साहब दीवार, चलो चलो चलो। तो ये रही अपनी ताओ हिमालयन, अभी देखते हैं सर्विस रिमाइंडर आता है कि नहीं आता। वैसे तो मैंने ऑनलाइन सीखा था कि सर्विस रिमाइंडर हटाना हो तो सिक्स गियर पे लाओ, इग्निशन ऑन करो और टॉगल को लेफ्ट दबा के रखो तो हट जाता है। इसका हटा कि नहीं हटा मुझे पता ही नहीं चल रहा। फैन स्टार्ट हुआ है अभी, बाइक करते हैं स्टार्ट। पेट्रोल आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ, तो बाद में डलवाएंगे पेट्रोल। अभी 659 किलोमीटर ही चली है अपनी ताऊ, तो यार इसके तो 1000 किलोमीटर भी नहीं हुए, एक दो महीने होने वाले हैं बाइक को। चलो दुचाकी जाते हैं और दुचाकी देखते हैं कि कितना किलोमीटर है यहाँ से। अभी मेरी बाइक चली है 659 के बाद दुचाकी देखते हैं कितना किलोमीटर होता है यहाँ से। तो लेट्स गो टू दुचाकी कस्टम। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5:14 और हम अपनी ताऊ को लेके जा रहे हैं दुचाकी कस्टम। तो इसकी ना विंडशील्ड आने वाली भाई साहब, मतलब वहाँ पे बनी रखी, ऑलरेडी हमने ऑर्डर दिया था विंडशील्ड का, तो इसकी एक लंबी वाली विंडशील्ड आ रही है सामने की। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो विंडशील्ड कैसी है, कैसा काम करती है। लेट्स गो, आज हम इसमें लगाने वाले हैं विंडशील्ड। यार बहुत बढ़िया दिखेगी, बड़ी सी विंडशील्ड लग जाएगी सामने से, तो ये विंड ब्लास्ट जो है ना वो कम हो जाएगा। तो ये सोच के हम जा रहे हैं अभी दुचाकी, और बाइक भी चला लेंगे यार, काफ़ी दिनों से खड़ी है बाइक घर पे, चलाई नहीं है देख रहो। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक लॉन्ग राइड की जाए दुचाकी। यहाँ से कम होगा 20 किलोमीटर आई थिंक, तो चलते हैं। देखो 60 तो यहीं हो गई, 1 किलोमीटर का था ये चौराया। अब सीधा जाते हैं दुचाकी, देखें कितने किलोमीटर पड़ता है। ठीक है 660 से नापेंगे सीधे सीधे राउंड फिगर लेके। बाइक है ना चलाने में इतनी लाइट फील होने लगती है, जब मैं स्टैंड से उतारता हूँ ना तब ये बहुत भारी होती है, बैक करने में थोड़ा सा हैवी फील होता है, बट जब ये स्टार्ट होती हैं उसके बाद तो भाई साहब फीलिंग ही अलग हो जाती है, बाइक चलाने की अलग ही लेवल हो जाता है इसका। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चला रहा हूँ, एकदम मक्खन टाइप से फीलिंग से आती है। सो अभी शाम बहुत जल्दी होने वाली, ठंड आने वाली है भाई साहब, ठंड आ रही है और उसके बाद दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले ठंड हो रही है, तो सूरज अभी ढल चुका है, हमारे पास अभी टाइम है, तो पहुंच जाएंगे अंधेरे होने से पहले और वहां से अब निकलेंगे तो हो चुकी होगी रात। तो चलते हैं दुचाकी और आप लोग को भी दिखाते हैं हमारी न्यू विंडशील्ड कैसी लग रही है बाइक पे। बाइक ब्रेकिंग बहुत अच्छी है बाइक की और कंट्रोलिंग तो बहुत ही शानदार है यार, मज़ा ही आ जाता है, मतलब कितनी भी स्पीड में हो ना बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। गियर तो इतने स्मूथ है, इतने मक्खन है कि जिसकी मैं क्या ही बात करूं, कि मतलब पता ही नहीं चलता है कब मैंने 6th गियर तक पहुंच जाता हूं, 5th गियर तक पहुँच जाता हूँ, बहुत स्मूथ ही ऐसे अप डाउन होते हैं, अप शिफ्ट होते हैं बहुत। सो गाइस मेरे पास एक गिम्बल पड़ा हुआ है DJI का ओम 5, अगर किसी को
उसकी रिक्वायर हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लें, जिसको चाहिए तो मेरे डीएम में मैसेज डालें, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर दें मुझे कि ये गिम्बल चाहिए, जो भोपाल से हो, जिनको अगर भोपाल से लेना हो तो DJI OM 5, मैं बाकी फ़ोटोग्राफ भी डाल दूँगा, तो जिस किसी को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम पे, पला शर्मा इंडिया से मेरी आईडी है, वहाँ जाएं और मुझे DM करें। बहुत भारी है, स्टैंड लगाना। नहीं यार, वो कार वाले ने एकदम ब्रेक लगा दी है। शिट, थैंक यू यार, इसकी वहाँ का फर्स्ट फॉल। हाँ शिट, शिट मैन, बहुत ही प्यार तरीके से गिरी है भाई। फर्स्ट फॉल डाउन हो गया बाइक का, शिट। अभी वहाँ खड़ी करते हैं, चेक करते हैं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं। बहुत ही स्लो स्पीड में था भाई, मैं ज़्यादा हाई स्पीड में होता तो पता नहीं क्या ही हाल होना था। बहुत ही लो स्पीड में था तो कुछ हुआ नहीं। साइड में रोकते हैं बाइक और चेक करते हैं कि क्या स्टेटस है। सो बाइक को कुछ हुआ नहीं है, हल्की सी गिरी थी बस। थैंक गॉड, बहुत माइनर सा था, कोई स्क्रैचेस नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। ये देखो हल्का सा, ये इसने बचा लिया हमको, ये नहीं होता ना तो गिर जाती। ये हल्का सा स्क्रैच दिख रहा है तो बहुत टेस्टिंग हो गई भाई। और यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच आया, ये टिक गया है। हैंड गार्ड पे हल्का स्क्रैचेस आए हैं और यहाँ पे वो आगे वाली कार ने ना ब्रेक लगा दी एकदम से, इसलिए भैया GoPro ऑन ही होना चाहिए था। ओह शिट, यहाँ पे भी स्क्रैचेस आ गए हैं हल्के हल्के। नज़र लग गई हमारी बाइक को, तो ये हिस्सा टच हुआ है। ये भी टूट के गिर गया नीचे। यहाँ लगाने, कहाँ पे? यहाँ पे तो आ जाएगा वो बाहर। नहीं भैया, सीधा स्ट्रेट। अरे वो सीधे चाहिए ना, मतलब ऐसे ही बाहर, मतलब ऐसे ही चाहिए, एक रॉड सीधी सीधे। फ्लैग व्लैग का भी कुछ लगाना है तो वो भी अच्छा लगेगा ना। सो ये वाली लाइट लगने वाली है अपनी बाइक पे, अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिटिंग हो रही है और कैसा इसका परफॉर्मेंस है, कैसा दिखने वाली है। फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ तो भाई अपना लगा हुआ है इस लाइट को लगाने के लिए।
गाइस फाइनली हमारी लग चुकी है विंडशील्ड दो चाकी कस्टम पे, तो अगर आप लोगों को भी लगवाना हो तो आ सकते हो। बाकी अब इसके टेस्टिंग करके देखेंगे कैसा विंड ब्लास बसता है इसमें हमारा। और एक नई चीज़ लगी है पीछे इस मिरर में, देखो आप, ये दिख रहा है, ये कुछ नया है। गाइस पेट्रोल डलवा लें, फ्यूल ख़त्म हो रहा है मेरी बाइक में। तो हाँ वीडियो तो डाला था मैंने है ना, वही मैं याद आया, मैंने भाई को देखा देखा लग रहा है यार क्या हुआ। गाइस लग गया है, मतलब डल गया हमारी बाइक में पेट्रोल, तो सुबह की राइड हो जाएगी हमारी सक्सेस। कल है संडे, कल मॉर्निंग में एक छोटी सी राइड है, वहाँ जाएंगे एंजॉय करेंगे। पेट्रोल हमारा डल चुका है, गाड़ी चली है 689 किलोमीटर अभी तक, डेढ़ दो महीने में गाड़ी बताओ 600 किलोमीटर ही हुई है, 650 पार हुई है बस। लोगों की 3000 हो गई मेरे साथ वालों की, और हमने अभी तक चलाई नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता बाइक चलाने का, खड़ी रहती है। आज वो तो ये विंडशील्ड लगानी थी इसलिए हम दो चाकी कस्टम के लिए इतनी दूर आ गए 25-30 किलोमीटर, अदरवाइज़ ये तो वो भी नहीं आती। फॉग लाइट और लग जाए ना भाई तो मज़ा ही आ जाएगा, वैसा व्यू हो जाएगा ना सामने जगमग। वैसी लोडेड है अपनी बाइक, बट लाइट की थोड़ी सी कमी आ रही है, लाइट और लग जाए तो कमी ही ख़त्म हो जाएगी हर चीज़ की। सो गाइस ब्लॉग पर अगर आप नए हो और आपको ब्लॉग मेरे पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना। बाकी बाइक के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें कि क्या लगवाई है, घर पहुँच जाऊँ सुकून से। बाकी आपको दिखा तो दी मैंने लाइट, यार लाइट बहुत सेक्सी दिख रही है वो जो मैंने लगवाई है, और मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रहा था ये लाइट, और मुझे फाइनली मिल गई। दो चाकी कस्टम भाई सब कुछ मिलता है दो चाकी, एक बार आइए आप विज़िट करिए दो चाकी पर, आपको सब मिलेगा, क्योंकि दो चाकी कस्टम सब कुछ रखता है, सब कुछ कस्टमाइज करके देगा। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बाइक पर यारी लाइट मुझे मिल जाएगी जो मुझे चाहिए थी, और फाइनली मुझे मिल गई, तो बहुत बढ़िया यार, थैंक्स टू दो चाकी कस्टम अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया अनु भैया आपको बहुत बढ़िया डील देंगे, आपको आओ यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कराओ अपनी बाइक, जो भी आपको कराना है, आपको फील अच्छा आएगा, अपनापन लगेगा अंदर, और बाइक पे दिल से काम होता है, बहुत बढ़िया। तो दो चाकी कस्टम को लाइक करो, उनका पेज है वो भी फॉलो करो वहाँ जाकर। बाकी आदिल खुश कर दिया भैया ने सर्विस दे के मुझे अपनी सेक्सी बाइक, लोगा मुड़ मुड़ के देख रहे हैं अरे ये कौन सी बाइक है और क्या है। बाकी व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। साइनिंग ऑफ पीएस फिल्म, बाय बाय। अभी हमारा घर बहुत दूर है तो हमें वहाँ जाना है। ये भाई साहब कहाँ गैया को डंडा लेके चढ़ाने लगे हुए हैं FZ पे, तो लौंडे हमारी बाइक को नुहारते हुए भाई